नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंपनी की राशन बहन कीटनाशक की विशेषताओं के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बात करेंगे हम इसके टेक्निकल्स के बारे में, कौन सी फसल पर हमें गोदरेज कंपनी इस कीटनाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं, कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है, क्या इसका हमें डोज लेना चाहिए, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, वीडियो एकदम छोटा होने वाला है, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, गोदरेज कंपनी का जो राशन बहन कीटनाशक है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी कि किसान भाइयों सकिंग पेस्ट के साथ साथ च्यूइंग पेस्ट यानी कि किसान भाइयों रस चूसक कीटों के साथ साथ यह चबाने वाले कीटों को एक ही बार में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। बात कर लेते हैं किसान भैया उसके टेक्निकल्स के बारे में। इसमें हमें दो टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, पहला है फ्लोक्सामेटामाइड जो कि 3.8% में है और दूसरा है पाइरीडावेन जो कि 9.5% SC यानी कि सस्पेंशन कंसेंट्रेट फॉर्म में हमें यह दोनों टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इसके अपनी मिर्च की फसल पर देखने को मिलते हैं। यानी कि किसान भाइयों कहने का मतलब यह है कि मिर्च की फसल एक ऐसी फसल है जो कि हमें गोदरेज कंपनी राशन बहन कीटनाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है। यानी कि मिर्च की फसल पर यदि आप इस कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो कोई भी दिक्कत परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है, तो थ्रिप्स माइट के साथ साथ कैटरपिलर जैसे कीटों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, इसमें हमें क्विक नॉकडाउन एक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि किसान भाइयों इसके छिड़काव के तुरंत बाद से ही यह अपना काम करना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, तो किसान भाइयों जो इसका अनुमानित डोज है 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों अनुमानित डोज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों फसलों की स्टेजेस के हिसाब से हमें दवाओं का अलग अलग डोज लेना चाहिए, तो ध्यान में आपको ज़रूर ये रखना है जब भी आप दवा का परचेज कर रहे हैं तो दवा के बारे में जानकारी और डोज के बारे में कंसल्ट करना दुकानदार से ना भूलें। किसान भाइयों लंबे समय तक यह कीटों को नियंत्रित करके रखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हमें कुछ नॉकडाउन एक्शन भी देखने को मिलता है, इसके साथ साथ ट्रांसलेमिनार एक्शन भी देखने को मिलता है। यानी कि किसान भाइयों जब भी हम दवा का छिड़काव करते हैं तो फसलों के नीचे जो छुपे हुए कीट होते हैं या पत्तों के नीचे फसलों में जो छुपे हुए कीट होते हैं उनको भी यह काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।